आज किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर आज किसानों ने पठानकोट अमृतसर राष्ट्र मार्ग लदपालवा टोल प्लाजा के पास पूर्ण तौर पर बंद किया। उन्होंने कहा कि विवाह, शादी, बीमार व्यक्ति और सेना की गाड़ी को जाने दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदर्शन कर रहे किसान ने बताया कि जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाए हैं, हमारा रोष उसको लेकर है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने बनाए कानून वापस जब तक नहीं लेगी, किसान इसी तरह डटे रहेंगे। आज 8 दिसंबर जो भारत बंद की किसान जथेबंदी वालों कॉल दी गई है, उस कॉल के आधार पर अज इस साढ़े टोल प्लाजे के सारे किसान कट्ठे होकर उस कॉल नूं मनदे हुए जो सानू उत्तों किसान जथेबंदी दीआं हदायतां आ कि ब्याह शादी वाले या बीमार गड्डियां बीमार एंबूलेंस वगैरह हैगी आ जां फौजी हैगे आ उन्हां नूं लांघा दिता जाएगा। असीं बिल्कुल उन्हां हुक्मां दी पालना करदे होए उन्हां नूं लांघा दे रहे हां ते बाकी दा जिहड़ा टोल प्लाजा उह 11 तों 3 बजे तक पूर्ण तौर दे उत्ते बंद आ। सर, अज पूरे आल ओवर इंडिया दे विच किसान जथेबंदियों वालों और ट्रेड विंग दे वालों बंद का आह्वान किया गया सीगा, जिहदा बहुत असर सानू देखण नूं मिल रहा। अज मैं कहना चाहना कि किसान जिहड़ा इस देश का अन्नदाता उन्हूं कुचलिया जा रहा है। साडी बहरी ते गूंगी सरकार, केंद्र सरकार अज कुछ भी सुनने नूं तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी देश दे विच डिक्टेटरशिप दिखाई जा रही है, जबरन ये काले कानून पेश किए जा रहे हैं। मैं ही अगवान करना चाहना कि इन्हां काले कानूनां नूं जल्द तो जल्द वापस लिता जाए। उन्हां दे अंदोलन नूं कुचलन लई दिल्ली दे अंदर किस तरह के तसीहे, किस तरह पानी दे बुशारा, किस तरह खड्डे मारे गए, ये सब लोग देख रहे हैं। साडे किसान भरा अज अपने घरां तों बेकार होकर पिछले 3 महीनों तो इस अंदोलन दे विच जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के कन्नां उत्ते एक भी जूं नहीं रेंग रही। वो किसी तरह का वार्तालाप नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार इस वे कॉर्पोरेट सैक्टर के यानी उद्योगपतियों की कठपुतली बन चुकी है, उन्होंने अगे चुक चुकी है। वो किसी तरह भी है काला कानून नू पास करवाना चाहती है, लेकिन इंडिया की आम जनता, किसान दे नाल ट्रेड विंग्स, साड़ी आम आदमी पार्टी बुरी जोर शोर दे नाल किसान दे हित विच खड़ी है और जो भी होएगा उन्हों का पूरा साथ देगी। आप किसी तरह भी काला कानून लागू हो नहीं दवांगे।